No. आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम डिस्कशन करेंगे लाइव टेस्ट सेवेंटी फाइव ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल ए एन एम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम देने से पहले जरूर एक बार देख लीजिए क्योंकि किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो उस हिसाब से खुद प्रिपेयर करिए ओके तो लेट्स कम बैक टू टू डेज इम्पोर्टेंट सेशन आज का सेशन हम देखते हैं आज का सेशन शुरुआत करने से पहले हमेशा याद रखिए ओके okay, हमेशा कोशिश करते रहिए जरूर आपको मंजिल मिलेगा तो फर्स्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द लास्ट न्यूनाटल रिफ्लेक्स टू एमर्जिज एक ऐसा न्यूनाटल रिफ्लेक्स बोलिए जो लास्ट है ओके क्या होता है एमर्ज ओके शुरुआत होता है रूटीन रिफ्लेक्स क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लैक्स ग्राफ्स रिफ्लैक्स न मोरो रिफ्लैक्स सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर सही आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा यू वॉल हैव टू गिव द राइट आंसर तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओके यू वॉल हैव टू रिम्बर आंसर मोरो रिफ्लेक्स ओके समझ में आ गया नाउ यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाटेलेट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर प्लाटेलेट को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है अंडर हुई ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कौन सा कंडीशन में आप प्लेटेलेट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं द प्लाटेलेट बेग इज कोल्ड प्लाटेड बेग और कोल्ड है द प्लाटलेट्स आर टू डेज ओल्ड प्लाटलेट दो दिन का हो गया दो दिन हो गया है द प्लाटलेट बैग इज एट रूम टेम्परेचर प्लाटलेट बैग रूम टेम्परेचर में है द प्लाटलेट आर ट्वेल्व आवर्स ओल्ड प्लाटलेट को ओके आपका ट्वेल्व आवर्स ऑलरेडी हो गया है तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा कौन सा कंडीशन में हम प्लाटलेट्स को नहीं दे सकते हैं हमेशा याद रखिए जो प्लाटलेट्स को रखा जाता है वो जनरली रूम टेम्परेचर में रखा जाता है अगर कोल्ड होगा तो नहीं दिया जाएगा इसका मतलब ए ऑप्शन में आप लोग प्लाटलेट को नहीं दे सकते हैं नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सीफिलिस सिफिलिस के कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है ए ऑप्शन में भी बी ऑप्शन में एफ टी सी ऑप्शन में आर पी आर डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ दो so, पु यो राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स सही आंसर पुट अप करिए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओके तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना इसका फुल फॉर्म आपको अगर पूछता है ओके तो एफ फॉर हो गया फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एंटीबॉडी ऑब्जॉर्शन टेस्ट होगा क्या होगा ऑब्जॉर्शन टेस्ट ओके ज़रूर इसको याद रखिए ওকে গোড এট তসার বি আপশ্শন নাও ইউ ক্যান প্রোসিড টু দা নেস্টন হুইচ ইমোনগ্লোমিলিন হুইচ ইমোনোগবিন হ্যাজ দ হাইস্টেবল ইন এ নমাল ওন ডে ওল্ড ইনফেন কনসা ইমোনোগোবিলিন সবসা দেখ মিলে গা অপন মেয়ে ইমোনোগোবিলিন এ বি অপশন মেয়ে ইমোনোগোবলিন সি অপশন মে ইমোনোগবলিন জি ডি অপ্শন মেয়ে ইমোনোগবলিন প্রিয় রাইট আনসার ইন सही आंसर पुटअप करिए कौन सा होगा हमेशा याद रखना है आंसर कौन सा होगा इम्यूनोग्लोबुलिन जी होगा ओके गॉट इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मिनरल व्हिच कैन जेनरेट फ्री रेडिकल आर ऑल एक्सेप्ट ओके चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन में जनरली क्या होता है फ्री रेडिकल जेनरेट होता है ओके एक मिनरल को छोड़ के वो कौन सा मिनरल है जो फ्री रेडिकल जनरली ओके प्रोड्यूस नहीं करता है और जनरेट नहीं करता है बोल सकते हैं ए ऑप्शन में कॉपर बी ऑप्शन में सेलेनियम सी ऑप्शन में कोबाल डी ऑप्शन में निकेल सो पुड राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स सही आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके यू ऑल हैव टू रिम्बर सेलेनियम सेलेनियम जनरली फ्री रेडिकल जनरेट नहीं करती है ओके okay, इसको जरूर याद रखना है गॉट एट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटाबोलाइट इन आवर बॉडी एक ऐसा ओके कंपाउंड बोले एक ऐसा सब्सटेंस बोले और एक ऐसा न्यूट्रिएंट बोले ओके okay, न्यूट्रिएंट का कंपोनेंट बोले जो जनरली हमारा शरीर में मेटाबोलाइज नहीं होता है ए ऑप्शन में ग्लूकोज बी ऑप्शन में फ्रुक्टोज सी ऑप्शन में सुक्रोज डी ऑप्शन में सॉर्विटॉल शो पुड यो राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स से ही आंसर पुट ऑफ करिए ओके जिन्होंने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या होगा सुक्रोज होगा ओके गॉट इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विन रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन में आई का रिक्वायरमेंट कितना होगा जो माइक्रोग्राम पर एमएल एम एल आपको देखने को मिलेगा सो प्रियो राइट आंसर इन द चार्ड वर्ग टू हंड्रेड वन फिफ्टी ओके टू फिफ्टी उसके बाद हंड्रेड सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पर एम एल में कितना माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा तो हमेशा याद रखना है टू फिफ्टी माइक्रोग्राम पर एम एल में आप लोग देख सकते हैं इट नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटीसन इज यूज एज इफ, एन इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कॉटिशन एक ठो ओके ड्रग्स है जनरली आप बोल सकते हैं स्टीरोड बोल सकते हैं जनरली एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कौन सा एक ठो ऐसा चार ऑप्शन दिया गया है एक एंटी इन्फ्लामेटरी ओके एक ठो इन्फ्लामेटरी कॉन्डिशन बोलिए जो जनरली हम कॉटीसन दे सकते हैं ओके हाई ब्लड प्रेशर आर्ट्रियोस्क्रोसिस आर्थराइटिस डायबिटीज ओके आर्थराइटिस का मतलब ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन होगा ओके आर्ट्रीओस्किलोसिस का मतलब आर्ट्री में क्या होगा हार्डनिंग हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आर्थेरोके और हाई ब्लड प्रेशर तो आप सभी को पता है इसको साइलेंट किलर डी बोल के भी बोला जाता है डायबिटीज इसे मेटाबोलिक डीडर आप सभी को पता है डायबिटीज इंसुलिन डेफिशेंसी या इंसुलिन का सीग्रेशन कम हो जाएगा डेफिशियंट हो जाएगा जिसके वजह से शरीर में ओके दैट इंक्रीज इंग द लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज ओके इट तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा आंसर टू बी सी ऑप्शन आथ्राइटिस में जनरली कोर्टिसोन ओके दिया जाता है तो इसको जरूर याद रखिए ओके इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रग दैट इंड्यूस एज एक ऐसा ड्रग का नाम बोले जो जनरली स्लीव सोने के लिए इंड्यूस करता है ये हिपोनोटिक्स बी ऑप्शन में एनालजेसिक्स सी ऑप्शन में एंटीपायरेटिक्स डी ऑप्शन में एंटी हिस्टामिन ओके ये क्या करेगा जनरली एंटी हिस्टामिन टू ओके टू रिड्यूस रिड्यूस द रिलीज ऑफ हिस्टामिन टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ हिस्टामिन स्पेशली आप एलर्जी कंडीशन बोल सकते हो रिलीज ऑफ हिस्टामिन हिस्टामिन किसरे रेस्पॉन्सिबल है ओके रिमेंबर दिस वन उसके बाद एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है इसको टू रिड्यूस फीवर टू रिड्यूस फीवर ओके एनाल जेसिक कंट्रोल पेन कंट्रोल पेन ओके तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन ओके गॉड एट नाव यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रिपेयर द इरीगेशन सोल्यूशन यूज फॉर रिमूवल ऑफ शेरूमैन शेरुमैन रिमूवल के लिए कौन सा सोल्यूशन जनरली व्यवहार किया जाता है ओके द नर्स शूड यूज नॉर्मल स्लाइन स्टेराइल वाटर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, वार्म टैब वाटर सो व्हाट माइड भी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन से ही आंसर पुट ऑफ करिए ओके कौन सा होगा ओके व्हाट वुड भी द राइट आंसर यहाँ पर सभी को याद रखना है आंसर हो जाएगा ओके नॉर्मल सिलाइन ओके गॉड एट नाव वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिउड बार्थ रेड इज क्या है लाइव बार्थ डिवाइडेड बाय हंड्रेड मीडियर पॉपुलेशन बार्थ बाय वन थाउजेंड वन थाउजेंड मीडियर पॉपुलेशन फर्स्ट और ए ऑप्शन में बोला है लाइव बार बाय वन थाउजेंड मीडियर पॉपुलेशन बी ऑप्शन में बोला है बार्थ बाय वन थाउजेंड मीडियर पॉपुलेशन सी ऑप्शन में लाइव बार पर वन थाउजेंड टेन थाउजेंड मीडियर पॉपुलेशन डी ऑप्शन में बोला है लाइव बार्थ वन थाउजेंड पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एज ग्रुप तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा ये ऑप्शन ओके लाइव बार डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड मीड ईयर पॉपुलेशन वन थाउजेंड मिड ईयर पॉपुलेशन ओके समझ में आ गया गॉट इट यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन ओके नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये चाइल्ड विथ इंटरशनल पैरासाइट ओके एक चाइल्ड है उसमें क्या है इंटरशनल पैरासाइट है जो पिनवर्म है इज शेड्यूल फॉर व्च ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ओके पिनवर्म है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा चिक टेस्ट कॉच टेप टेस्ट ट्यूरकोलिन टेस्ट एलिजा टेस्ट सो प्योर राइट आंसर इन द चार्ड बॉक्स सही आंसर पुटअप करिए कौन सा होगा ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हमेशा याद रखना है ये चिक टेस्ट जो किया जाता है फॉर डिपथिरिया के लिए किया जाता है डिपथिरिया इसको जरूर याद रखना है ओके उसके बाद कोलिन टेस्ट फॉर टीबर क्लोसिस फॉर स्क्रीनिंग ऑफ टीवी बोल सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ टीवी उसके बाद एलिजा जो है ये स्क्रीनिंग फॉर स्क्रीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एड्स होगा और कितना सारा कंडीशन है तो यहाँ पर जरूर याद रखिए बी ऑप्शन होगा आंसर टू द बी ऑप्शन नाव वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई एंट्रोप्यूटरी एक्सेप्ट ओके देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन एंट्रोप्यूटरी हॉर्मोन है ओके एक को छोड़े ग्रोथ हॉर्मोन ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हार्मोन थायरय स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन ओके आप सभी के मैं बोला हूँ याद रखने के लिए फ्लाड पी याद रखना है फ्लाड पी ये जितना सारा हार्मोन है दीज हार्मोन आर नॉन है एंटेरियर पीट्यूटरी क्योंकि कि एंटेर से या हाइपोफेसिस बोल सकते हो ओके तो ये एफ फोर हो गया एफ एस एच उसके बाद एल फोर हो गया एल एच ए फोर हो गया ए सी टी एच ओके उसके बाद टी फोर हो गया टी एस एच ओके पी फोर हो गया पी आर एल ओके okay. फोर e हो गया एंडोरफिन एंडोरफिन ओके उसके बाद जी फोर हो गया ग्रोथ हार्मोन तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं इसको जरूर याद रखना है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जनरली ये हार्मोन को हाइपोथालामस रिलीज करता है कौन करता है रिलीजिंग एंड इनबिटिंग हार्मोन ओके जनरली कौन रिलीज करता है हाइपोथलमोस ओके okay. ये सुपर मास्टर ग्लैंड है ओके okay. अगर ये एंट्रियो प्यूटरी प्य। 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 ग्लैंड अगर हेड मास्टर है तो ये पूरा सुपर हेड मास्टर है तो उसी हिसाब से याद रखो ओके गॉट इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हुईज लोव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर टच ए ऑप्शन में फ्रंटल लो बी ऑप्शन में टेम्पोरल टेम्पोरलोव सी ऑप्शन में पेरिटल लोव डी ऑप्शन में ऑक्सीपिटल लोभ सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सही आंसर पुट अप करिए ओके जिन्होंने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर एंसर विद द पेरिटाल लो ओके गॉड इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम साइटो केमिकल मैसेंजर व्हिच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रमोट इन्फ्लामेशन व्हिच कॉज सीवियर पेन व्हिच प्रोड्यूस एंटीबॉडी सो व्हाट टूट बी द राइट आंसर तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा पुट अप करिए ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सही आंसर पुट अप करिए हमेशा याद रखना है आंसर विद द बी ऑप्शन प्रमोट इन्फ्लामेशन साइटोकाइंस के बारे में बोला हूँ ओके okay, ये केमिकल मैसेंजर है प्रमोट करता है इन्फ्लामेशन करने के लिए नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेटिव ऑर्गेनिज्म एंसोन्स बोला मोनी लियासिस मोनी लियासिस ओके एक ठो ऑर्गेनिज्म का बोलिए नाम बोलिए जो मिन मोनी लियासिस करता है कैंडिडा आलविकैंस टीनिया क्रोरी स्टेफेलोकोको सोरियस और गोनोकोकाई सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जरूर आंसर दीजिए इसका सही आंसर जरूर पुट अप करिए यू ऑल हैव टू दिस वन आंसर वुड बी द ओके आंसर कौन सा होगा आंसर द ये ऑप्शन कैंडिडा आलवी होगा क्या होगा कैंडिडा आलवी ओके गॉट इट यू ऑल हैव टू रियम्बर दिस ना वी कैन कॉम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर यूज फॉर पास्चुराइजेशन इन होल्डर मेथड होल्डर मेथड के लिए ओके okay, पास्चुराइजेशन में जो होल्डर मेथड है उसमें कितना टेम्परेचर व्यवहार किया जाएगा यूज किया जाएगा सेवेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ट्वेंटी मिनट सिक्सटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड फॉर थर्टी मिनट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टेन मिनट नाइन्टी फोर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ट्वेंटी मिनट सो वट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जरूर आंसर पुटअप करिए जिन्होंने अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जरूर लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ओके आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिक्सटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड फॉर थर्टी मिनट्स ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके गॉट इट नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय प्लाज्मा जो आप लोगों को पता है फ्लूइड का डिफरेंस स्टेज है जैसे सॉलिड ओके okay, आप देखेंगे सब्सटेंस का डिफरेंस है सब्सटेंस का डिफरेंस स्टेज है जैसे सॉलिड स्टेट होगा लिक्विड स्टेट होगा स्टेट होगा उसी हिसाब से और एक ठो स्टेट है सब्सटेंस का प्लाज्मा स्टेट नगे एमें जो डिस्कशन करा हुए सब्सटेंस सबस्टा कहा यू पदार्थ बोलिकी तार विभिन्न प्रकार अवस्था अच्छे ओके इट ओके डिफरेंट स्टेट लाइक like सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट ओके अनदर वन विल बी द ओके स्टेट यू कैन सी नौ okay, इलेटर और एक स्टेट है जिसको प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एथिलीन ऑक्साइड गामा रेच और यूवी रेच किसके माध्यम से आप प्लाज्मा स्टेरिलाइन करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके समझ में आ गया इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम क्रोनिक अल्कोहलिक इज प्रेजेंटिंग विथ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मैनिजाइटिस ओके क्रोनिक अल्कोहलिक अगर है पेशेंट तो क्या जो मैनिंजाइटिस का क्लिनिकल फीचर है उसको प्रेजेंट करता है तो मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म व्हिच विल ग्रो ऑन सी एस एफ कल्चर सी एस एफ कल्चर में कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा स्ट्रेप्टोकोकस नीमोनी नाइजेरिया मैनिंजाइटिडिस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिंस और इस कोली ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ओके एग्जामिनर का जो भी मूड लगेगा जरूर पूछेगा ओके इसलिए हर चीज को पढ़ना जरूरी है जब तक मेहनत नहीं होगा तब तक आने वाले दिन में ओके सक्सेस पाने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसीलिए मेहनत करते रहिए जरूर आपको मंजिल मिलेगी ओके तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्टेप टू कोकस कस निमोनी वी कैन सी नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनिक कॉन्थामेटी टेस्ट फॉर ओके okay, सीफिलिस के बारे में डिस्कशन किए हैं वीडियी आर एल एफ टी ए बी एस उसके बाद आर पी आर डी ऑप्शन में नॉन हो देगा इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं ओके बी ऑप्शन एफ टी ए ए बी एस होगा नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोग्लोबुलिन हैज द हाइजेस्ट लेवल इन नॉर्मल वन डे ओल्ड इन्फेंट ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं आई जी जी क्या डिस्कशन किए हैं आई जी जी मिनरल हुई कैल जनरेट फ्री रेडिकल आर ऑल ओके okay, okay, एक ऐसा मिनरल का नाम बोलिए ओके okay, जो फ्री रेडिकल जेनरेट करता है ओके okay, तो चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन करेगा फ्री रेडिकल जेनरेट एक को छोड़ के तो जनरली यहाँ पर सेलेनियम ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं ओके गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिविरटी ऑफ कीटोसिस आसेस्ड बाय कीटोसिस को आप लोग कैसे इसका सिविरिटी को आसेस्ट करने में आप लोग क्या करेंगे मेजरमेंट ऑफ कीटोन बॉडी इन द ब्लड मेजरमेंट ऑफ़ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन मेजरमेंट ऑफ फ्री फैटी एसिड इन ब्लड मेजरमेंट ऑफ़ फ्री फैटी एसिड इन यूरिन तो सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट माइट भी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सही आंसर पुट ऑफ करिए हमेशा याद रखना है यू ऑल हैव टू रियम्बर आंसर वी द मेजरमेंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड ओके गॉड एट नाउ यू कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आईडिन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंट वुमेन इन माइक्रोग्राम पर डेसी पर एम बोला है तो ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं आंसर हो जाएगा 250 माइक्रोग्राम पर एम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर डिक्रीज इन पेशेंट डेलेरियम एक पेशेंट का अगर डेलेरियम है तो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर डिक्रीज करेगा डोपामिन एसिटिल कोलिन गाबा और ग्लूटामेट तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एसिटिल कोलाइन अगर डिक्रीज करता है तो डेलेरियम होगा ओके okay, इसको जरूर याद रखिए जिसको एक्यूट ओके जनरली यू हैव टू रियम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी व्हाट इज द ड्यूरेशन क्राइटेरियन टू डायग्नोज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजी टेन क्राइटेरिया ओके आईसीडी टेन के हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से ओसीडी को आप लोग कैसे डायग्नोज करेंगे टू विक्स फोर वीक्स सिक्स वीक्स एट वीक्स सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सही आंसर जरूर पुटअप करिए आंसर हो जाएगा टू विक्स आंसर क्या होगा टू विक्स जरूर याद रखिए आइडेंटिफाई द इमेज गिवेन बिलो ये इमेज को आप लोग आइडेंटिफाई कर इसका नाम क्या है लामिनार फ्लो होड सी कॉल मशीन सी आर्म मशीन यू एस जी मशीन सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सही आंसर पुटअप करिए ये कौन सा होगा ओके okay, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी आर मशीन बोल के बोला जाता है ये प्रेग्नेंट फीमेल ट्वेंटी टू वीक्स कॉम फॉर एंटीनाटल विजिट ओके एक प्रेग्नेंट फीमेल था ट्वेंटी टू वीक्स हुआ था वो एंटीनाटल विजिट के लिए आया ऑन रूटीन चेकअप हर हीमोग्लोबिन इज इलेवेन पॉइंट सिक्स ग्राम रूटीन चेकअप में देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन उसका इलेवन पॉइंट सिक्स ग्राम है हर प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन हुआ ओके हर प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन वाज बोला है पहले था 12.6 ग्राम था द नॉट एडवाइसेस आर द फॉलोइंग एज पर एनिमिया मुक्त भारत प्रोग्राम ओके कौन सा टैबलेट को ओ वो वोमेन को क्या किया जाएगा एडमिस्टर या उसको दिया जाएगा वन टेबलेट ऑफ सिक्सटी मिलीग्राम आयरन फाइव हंड्रेड माइक्रोग्राम फॉली एसिड टू टैबलेट्स ऑफ सिक्सटी मिलीग्राम आयरन फाइव हंड्रेड माइक्रोग्राम फॉली एसिड वन टैबलेट हंड्रेड मिलीग्राम आयरन फाइव हंड्रेड माइक्रोग्राम फॉली एसिड सी टू टैबलेट्स ऑफ हंड्रेड मिलीग्राम आयरन एंड फाइव हंड्रेड माइक्रोग्राम एसिड तो यहाँ पर सही आंसर होगा वन टैबलेट ऑफ सिक्सटी मिलीग्राम आयरन एंड फाइव हंड्रेड माइक्रोग्राम ऑफ फॉली एसिड इसको जरूर याद रखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड रहेगा इमोनोसऑपरेशन इनक्रीज कार्डियक आउटपुट गैस्ट्रो इंटेस्टनल हिमोरेज पोलमोनरी एम्बोलाई तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन मीन जीआई का ब्लीडिंग होगा ओके प्रोलॉन्ग और मैकेनिकल वेंटिलेशन दे जीआई ब्लीडिंग ओके जरूर इसको याद रखना है ओके गॉट इट नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आप लोग करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करें आपालेशन आपसम एपिलेशन तो कौन सा होगा सही आंसर पुट अप करिए कॉरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा तो यहाँ पर जरूर याद रखिए बी ऑप्शन बी ऑप्शन का होगा ये पी पी ई एल एल ए टी आई यू एन इसको जरूर याद रखिए नाउ कैन कॉम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड काटालक का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा सी ए टी एल ओ जी 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 सी ए टी एल ओ जी सी ए टी एल ओ जी यू ई उसके बाद सी ए टी एल ओ जी ई तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सही आंसर पुट अप करिए ओके हमेशा याद रखना है आप सभी को यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर टू द डी ऑप्शन ये कैटलॉग का करेक्ट स्पेलिंग है ओके गॉट इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोपियट वर्ड गिवेन इन द ऑप्शन ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दिया गया उसको आइडेंटिफाई करके फिलिंग द ब्लैंक्स करिए अब लगेगा मंडे इज द फास्ट डे डेक्स द वीक ऑफ आफ्टर ड्यूरिंग बिफोर तो यहाँ क्या मंडे इज द फास्ट डे ऑफ ओके वीक का पहला फर्स्ट डे कौन सा होता है मंडे होता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑफ प्रिपोजिशन नाउ वी कैन कोम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय हजबेंड है स्टडीड ओनली डेक्स एस एस सी ओके माय हजबेंड ओनली पढ़े हुए हैं एस एस सी बोला है टील ऑफ टू फॉर सीन्स ओके ऑप टू खाली एस एस सी पढ़े हुए हैं तो कौन सा होगा आंसर बी ऑप्शन में अप टू एस एस सी बोला गया है ओके okay, समझ में आ गया डी ड्यू गेडेट यू ऑल हैव टू रियम्बर दिस वन ओके ना We can proceed to the next question. Give one word for habitually silent or talking little. Okay, habitually थोड़ा कम बात करना. Okay, तो इसको क्या बोला जाता है? Sorbile, on equivocal, tasytorn. उसके बाद synoptic तो यहाँ पर कौन सा होगा? taciturn बोला जाएगा. Okay, answer to the C option. Now we can come back to the next question. Give one word for a paper written by hand. ओके okay, पेपर को अगर हाथ में लिखा गया है तो उसको क्या बोलेंगे सिंगल वर्ड में हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट मानुस्क्रिप्ट हैंडीवर्क थेसी तो सही आंसर कौन सा होगा माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जरूर आंसर पुटअप करिए ओके आंसर हो जाएगा ओके okay, बी ऑप्शन मैनुस्क्रिप्ट बोला जाएगा ओके गॉट इट दिस इज द एंड ऑफ द सेशन थैंक यू वेरी मच सी और एन अदर इंटरेस्टिंग सेशन तब तक अपना ख्याल रखिए परिवार का ख्याल जरूर रखिए जय हिंद जय भारत